इसराइल की जनूबी गजा में रफ़ा और वस्ती गजा में बॉरेज कैंप पर बमबारी पांच फलस्तनी शहीद और मतदीद ज़ख्मी हो गए हैं रफ़ा में गाड़ी पर बम हमले में चार फ़लस्तनी शहीद जबकि बोरेज पना कैंप कैम्प पर सिहूनी हमले शहादतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है अरब मीडिया का बताना है कि इसराइल की जनूबी गजा में रफा और वस्ती गजा में बोरेज कैम्प पर बमबारी जिसमें पाँच फलस्तनी जाम शहादत नोश कर गए मतदद अफराद के ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं अरब मीडिया के मुताबिक रफ़ा में गाड़ी पर बम हमला किया गया जिसमें चार फलस्तनी शहीद हुए हैं बारेज बोरेज कैंप पर से होने हमले में शहादतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है अब तक की इतला के मुताबिक बारेज कैंप पर बमबारी में पाँच फलस्तनी शहीद और बतद के ज़ख्मी होने की अतलात हैं और रफाह में गाड़ी पर बम हमले में चार फलस्तनी भी शहीद हो गए हैं असलम हेडलाइंस आप जान चुके ख़बर आपको दें इसराइल का गज़ा में जुल्म और बरबरीत जारी है फ़लस्तनी वजारत सेहत के मुताबिक जवालिया पर हमले में चार फ़लस्तनी शहीद हो गए हैं और इक्कीस अफराद के ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं सहूली फोस की मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ जारी हैं मुतद फ़लस्तनी गिरफ्तार और कई घरों को मिसमार कर दिया गया इसराइल का गज़ा में रबरीत का सिलसिला जारी फ़लस्ती वजारत सेहत के मुताबिक जवालिया कैम्प पर हमले में चार फ़लस्तनी शहीद और इक्कीस ज़ख्मी हो गए इसराइल के जनूबी रब्नान में भी बमबारी हमले में कई इमारतें ज़मीं बोस हो गई हैं मतदद अफराद के ज़ख़्मी होने की इतलात भी सामने आ रही हैं अरब मीडिया के मुताबिक शहादतों का ख़दशा भी जाहिर किया जा रहा है इसराइल ने जनूबी रब्नान में बमबारी की है हमले में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं ऐसा बताया जा रहा है अरब मीडिया की जानब से मतदद अफराद के ज़ख़्मी होने की भी अतलात हैं और अरब मीडिया ये बता रहा है कि इस वाक़े में शहादतों का खदशा भी है इसराइल ने जनूबी रब्नान में बमबारी की है और इस हमले में कई इमारतें जमी बोस हुई हैं मतदाद अफरा जख्मी हैं जबकि शहादतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है